हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो थ्योरी ऑफ मशीन का आरजीपीवी के थ्योरी ऑफ मशीन में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से। ठीक है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो आरजीपीवी में पूछा गया था जून 2022 में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम थोड़ा सा पहले क्विक रिटर्न मैकेनिज्म समझ लेते हैं। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, इसका नाम क्या है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, इसका नाम है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, हम थोड़ा इसको एक बार देख लेते हैं कि ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, आप इस फिगर को अगर देखोगे ध्यान से, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट वेट। ओके, सो आप इसमें देख सकते हो कि जो इसका फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो थोड़ा फास्ट है, फॉरवर्ड स्ट्रोक फास्ट है, और जो रिटर्न स्ट्रोक है, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक थोड़ा लॉन्ग है, और जो इसका जो रिटर्न स्ट्रोक है वो थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, क्योंकि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो हमारा यूज़ किया जाता है मेटल को कट करने के लिए। ठीक है, और जो रिटर्न स्ट्रोक है उसमें क्या होता है, जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल को कट करता है और रिटर्न स्ट्रोक में वो वापस आता है, तो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी को सेव करने के लिए जो रिटर्न स्ट्रोक है उसको हम लोग फास्ट रखते हैं और जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है उसको हम लोग स्लो रखते हैं ताकि वो प्रॉपरली मेटल को कट कर सके। ठीक है, और इसमें आप ये जो है, ये इसका जो टाइम ऑफ कटिंग है और जो टाइम ऑफ रिटर्न है वो किसका रेशियो होता है? थीटा अपॉन बीटा का। ठीक है, तो ये वाला थीटा हो जाएगा और जो जो रिटर्न है वो रेशियो किस, वो हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, तो ये एक क्विक रिटर्न का जस्ट सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद ये जो फिगर है ये बेसिकली क्या है, ये हमारा स्लॉटेड लीवर का है। ठीक है, ये फिगर काहे का है? स्लॉटेड लीवर का। ठीक है, स्लॉटेड लीवर, तो एक डिफरेंस होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में और स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में। ठीक है, वो डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो फिक्स लिंक होता है स्लॉटेड लीवर में उसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, वो लॉन्ग होता है और जो रोटेटिंग लिंक होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती है उसमें जो हमारा फिक्स लिंक होता है वो कैसा होता है, वो शॉर्ट होता है, और जो रोटेटिंग लिंक होता है हमारा वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा लॉन्ग होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा फिक्स लिंक होता है क्विक रिटर्न में, जो हमारा फिक्स लिंक होता है वो कैसा होता है, जो फिक्स्ड लिंक होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, वो शॉर्ट होता है, और जो रोटेटिंग लिंक होता है हमारा, जो लिंक रोटेट करता है, रोटेटिंग लिंक कैसा होता है, लॉन्ग होता है, रोटेटिंग लिंक लॉन्ग होता है, और स्लॉटेड लीवर में हमारा जो फिक्स लिंक होता है वो फिक्स्ड लिंक जो होता है वो लॉन्ग होता है, और जो रोटेटिंग लिंक होता है, रोटेटिंग लिंक होता है वो कैसा होता है, वो शॉर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेटिंग लिंक क्या है, क्रैंक। इसमें एक और डिफरेंस है स्लॉटेड लीवर और क्विक रिटर्न में, मैं आपको बता देता हूँ। क्विक रिटर्न में क्या होता है कि जो लिंक, जो रोटेटिंग लिंक है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। ठीक है, जो कपलर है हमारा वो मेक कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, जबकि स्लॉटेड लीवर में वो सिर्फ ऑसिलेट करता है। ठीक है, और ओनली ऑसिलेट, नो कंप्लीट रोटेशन इज देयर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ में आ गए होंगे स्लॉटेड लीवर और क्विक रिटर्न केस में। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ कटिंग और टाइम ऑफ रिटर्न का वो सेम रहता है, थीटा अपॉन बीटा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ में आ गए होंगे स्लॉटेड लीवर और हमारा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, इसको क्विक रिटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि फॉरवर्ड स्ट्रोक में ये मटेरियल को कट करता है और रिटर्न स्ट्रोक में ये वापस से आता है। ठीक है, अब हम अपने न्यूमेरिकल के ऊपर वापस आ जाते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल में हमें टाइम दिया हुआ है, द फॉरवर्ड टू रिटर्न रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, टाइम ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, टाइम ऑफ फॉरवर्ड टू द टाइम ऑफ रिटर्न। ठीक है, हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 2:1। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, आप इससे भी देख सकते हैं कि फॉरवर्ड का जो टाइम है वो ज़्यादा है और रिटर्न का जो टाइम है वो कम है। ठीक है, यहाँ से भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा टाइम ऑफ फॉरवर्ड और ये किसका रेशियो होता है, थीटा अपॉन बीटा का। ठीक है, तो अब ये जो क्रैंक है इसको हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमारे इजीनेस के लिए। ठीक है, इस तरह से, और ये वाला जो एंगल, जो नीचे वाला एंगल था वो हमारा बीटा है। ठीक है, और जो जो रिटर्न का एंगल है वो हमारा बीटा है और जो कटिंग का एंगल है वो हमारा थीटा है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, जो ऊपर वाला एंगल है ये हमारा, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जो कटिंग का एंगल है हमारा वो थीटा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, तो अब तो आप इस फिगर से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका सिर्फ एक ही पार्ट रखते हैं। ठीक है, इसको हम सिर्फ एक ही पार्ट रखते हैं, इसको हम पूरे को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली कंप्लीट बीटा है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, बीटा बाई टू। ठीक है, पीछे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये पूरा जो है ये बीटा है, ये पूरा जो है ये थीटा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, बीटा बाई टू। ठीक है, ये बीटा बाई टू, ये भी बीटा बाई टू। ठीक है, तो अब हमारा कॉस बीटा बाई टू कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बाई टू कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस क्रैंक हमें कितना दिया हुआ है, 125 mm। ठीक है, क्रैंक हमें दिया हुआ है 125 mm। ठीक है, और हमें जो ये डिस्टेंस है ये कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है डी। ठीक है, तो अगर हमें बीटा पता चल जाए तो हम कॉस बीटा निकाल लेंगे और फिर हम ये डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बीटा निकालने के लिए हम इसको कैसे, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस बीटा। ठीक है, डिवाइड बाय बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा बीटा कितना आ जाएगा, बीटा हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, बीटा हमें पता चल जाएगा, तो कॉस बीटा बाई टू यानी कि ये हो जाएगा हमारा कॉस 60 इज इक्वल टू 125 बाई डी। ठीक है, और कॉस 60 कितना होता है हमारा, 1 बाई 2। तो हमारा डी कितना आ जाएगा, 250 mm। ठीक है, तो होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा, डी कितना हो जाएगा हमारा, 250 mm। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये कैसे अलग है, ये कैसे डिफरेंट है स्लॉटेड लीवर से। ठीक है, ये कैसे डिफरेंट है स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म से। ठीक है, और इसमें हमारा टाइम ऑफ कट फॉरवर्ड और टाइम ऑफ रिटर्न क्या है। ठीक है, इसमें जो रिटर्न स्ट्रोक है हमारा वो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है हमारा वो कैसा है, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है वो ट्वाइस है, और जो रिटर्न स्ट्रोक है उसमें हमारा कम टाइम लग रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको तो इस वीडियो के साथ ही हमारा जून 2022 के जितने भी क्वेश्चंस थे RGPA में, थ्योरी ऑफ मशीन में जो पूछे गए थे, वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर मैं जून इसके पहले जून 2021 में जो, और उसके पहले के जो पेपर्स हैं उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।